نور والی نور والی نور والی كتاب قرآن میرا نور والی كتاب قرآن میرا نور والی كتاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى ألك وأصحابك يا حبيب الله وعلى ألك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى ألك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आपको मदनी चैनल के एक नए एक इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं मरहबा कहते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है नूर वाली किताब नूर वाली किताब प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं और उसमें नूर वाली किताब के बारे में बहुत सारी बातें भी होंगी कुरान पाक भी आपको पढ़ना सिखाया जाएगा कुरान पाक की हिस्ट्री क्या है वो भी आपको बताई जाएगी और आपको ये बात पता है ना कि कुरान पाक में सूरतें भी हैं Yes. Yes. पाक में आयतें भी हैं yes. तो कुरने पाक की सूरतों की बरकत क्या है इनकी फजीलत क्या है इनकी शान क्या है इनशाला वो भी आपको बताई जाएगी और कुरान पाक के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्पटिशन है कॉम्पिटिशन समझ लें आप मुकाबला समझ लें या हमारे सीखने का एक ज़रिया समझ लें तरीका समझ लें वो भी इनशाला होगा उसमें आपको मज़ा भी बहुत आएगा और इनशाला आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा तो इससे पहले कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं सिखाएं समझाएँ और आप सुने हम सुनते हैं कुरान पाक की तिलावत और इन इसको पढ़ने का जो तरीक़ा है वो भी इन आज हम सीखेंगे हमारे साथ मौजूद हैं हमजा भाई हमजा भाई आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत तलावत सुनाएंगेजूर जल्जा इनशा सजल इसकी तिलावत भी सुनेंगे और इसको पढ़ने का क्या तरीक़ा है इन वो भी सीख कर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानी जिसका नाम है तजवीज़

قال الانسان ما لها وقال सहाल। सहाल। Allah, माशा आपने पाक की तिलावत सुन ली है अब बढ़ते हैं इसको समझने की जानी कि जो तिलावत कुरान करीम की गई है इसके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखा गया है क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो इससे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना हम yes. अगर गाड़ी भी चलाते हैं बच्चे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने से पहले ख्याल रखते हैं हैंडल में कैसे पकड़ना है और पेडल में कैसे लगाना है गाड़ी आगे कैसे चलानी है घुड़नी नहीं चाहिए तो जब भी आपकी साइकिल सही चलती है और अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा गिर जाएंगे या फिर किसी को ठोक देंगे गाड़ी किसी को मार सकते हैं एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन ये तो कुरान पाक है साइकिल चलाने में इतनी एहतियात ज़रूरी है तो ये तो अल्लाह पाक का कलाम है इसको पढ़ने में और भी ज़्यादा एहतियात चाहिए और भी ज़्यादा इसको समझना चाहिए तो अब बढ़ते हैं इसको समझने की जारी देखिए आपने ये है हमारे सामने पहली आयत सुर जिलजाल की और ये है दूसरी आयत पहली आयत जो शुरू हो रही है देखें इसके शुरू में है जाल कौन सा लेटर है सब बताना है राल। जाल नहीं लाल कौन सा राल। ये जबान है ना ये यहाँ लगा है हल्की सी बाहर निकालने समझाने के लिए बता रहा हूँ आपसे बिल्कुल सही प्रोनाउंस होगा कौन सा हर्फ है ये बाश वेरी गुड उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखें लिखा हुआ है रॉ रॉ को पढ़ना है मोटा और दो रॉ को भी मोटा पढ़ना है बौद्ध को भी मोटा पढ़ना और दू जी अगली आयत आयत नंबर थ्री में देखिए ये रहा नून साकिन नून साकिन के बाद जब भी सीन लिखा होता है तो उसमें इकफा करते हैं यानी जो आवाज है उसे नाक, नाक, नाक में छुपा देते हैं जो गुन्ना है ना उसकी आवाज नाक में छुपा देते हैं इन नहीं इयो, 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 इस तरीके से करना है ये तरीका समझ गए ये आगे भी बहुत सारी जगह आपके काम आएगा तीन में सीढ़ी निकालनी है यऊ मेरे साथ पढ़े यऊ यऊ ऐसे पढ़ना है यऊ यौ यऊ यू यौ ऐसे नहीं पढ़ते ये अरबी एक्सेंट नहीं है अरबी लहजा नहीं है अरबी लहजा कैसे है यऊ पढ़िए यऊ 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 कैसे पढ़ना है अब मैं पढ़ता हूँ मुझे बताइएगा मैं गलत पढ़ रहा हूँ सही यो गलत यू सही सही अच्छा यऊ झटके से भी नहीं आराम से यऊ यऊ तो जी कारी साहब आप हमें आप सूरे जल्जाल की तिलावत करवाइये रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम। 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 अभी देखें आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं पढ़ पा रहे ना कोई मसला नहीं परेशान हाँ परेशान नहीं होना है आपने प्रैक्टिस करते रहनी है अब इन पहली क्लास है आप और और भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे किड्स मदनी चैनल के नाजरें जो हमें देख रहे हैं वो कहेंगे हम तो यहाँ क्लास में बैठे ही नहीं हैं हम क्या करें कोई बात नहीं आपको आवाज़ भी आ रही है आपको पिक्चर भी आ रही है आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करें और भी जितने प्रोग्राम आएंगे सब में इनशाला आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करें इन शाला आपका तवुज़ आपकी तस्वियाँ और भी जो आयात हैं इनशाला वो सही हो जाएंगी आप कुरान पाक सही पढ़ने लगेंगे जी إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أشقالها وأخرج وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها أخبارها أتسع اسمه उुमा यऊ माँ हरफिल को नहीं खेचते वाउलिन है इसको नहीं खींचना है इसको पढ़ना है यऊ मेरे साथ पढ़े दोबारा यऊ यऊ मऊ वेरी गुड सुबह अल्लाह तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत की मशक करने की कोशिश की है प्रैक्टिस करने की कोशिश की है कुछ गलतियाँ मैंने आपको बता दी हैं कुछ मिस्टेक्स नहीं बताई हैं क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी थी ना आपको और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन बहुत कुछ पता चल जाएगा और भी इन बहुत सारी बातें आप सीखेंगे और चूँकि ये तो बच्चे हैं और उन्होंने कुछ सही भी पढ़ा कुछ अपने तई कोशिश करके जिस तरह पढ़ा तो इन ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन बेहतरी आ जाएगी बच्चों ने अपने अतबार से पढ़ाए और ये आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो इन वक्त आएगा कि आप भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ लेंगे पढ़ने वाले बन जाएंगे तो इसी के साथ ये हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ है और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानी इस सेगमेंट का नाम है कुरान हिस्ट्री किताब प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरेंगे ये सेगमेंट लाए हैं आपके लिए कुरानिक हिस्ट्री क्या मतलब यानी इस सेगमेंट के अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी सुनेंगे सीखेंगे समझेंगे और कुरान पाक की जो हिस्ट्री है ना वो भी हम जानेंगे यानी कुरान पाक कैसे नाजिल हुआ और कुरान पाक को कैसे जमा किया गया कुरान पाक को कहाँ कहाँ लिखा गया कैसे लिखा गया और फिर क़ुरान पाक हम तक किस तरीके से पहुँचा है ये कुरान पाक की पूरी हिस्ट्री है ना पूरी ये पूरी हिस्ट्री क्या है हमें पता होनी चाहिए ये अल्लाह पाक की किताब है तो इन श्ला इस सेगमेंट के अंदर कुरानिक हिस्ट्री जो सेगमेंट है हम इन तमाम बातों को जानेंगे तो फिर शुरू करें अपना सेगमेंट जी। प्यारे बच्चों कुरान पाक है एक आसमानी किताब कौन सी किताब है आसमानी किताब यह एक ऐसी बुक है जिसमें दुनिया और आखिरत की तमाम की तमाम भलाइयाँ लिखी हुई हैं इसमें मौजूद हैं और अल्लाह पाक ने यह किताब हमारे प्यारे प्यारे हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम पर नाजिल फ़रमाई है और अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी किताब दी और देने के साथ इसी किताब में कुरान पाक के नाजिल करने का मकसद भी बयान किया है हर चीज़ का एक मकसद होता है एक गोल होता है ना इंग्लिश की बुक है उसका अलग मकसद है उर्दू की है उसका अलग मकसद है फ़िज़िक्स की है उसका अलग एक मकसद होता है तो कुरान पाक कि अल्लाह की किताब है हमारे प्यारे नबी पर अल्लाह पाक ने नाजिल फ़रमाई क्यों नाजिल फ़रमाई अल्लाह पाक कर रिशात फरमाता है किताबल अली तो खरीजन्ना सुलुमातीन्नूरू अल्लाह फरमाता है तर्जम कंजुलरफान ये एक किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि तुम लोगों को उनके रब के हुक्म से अंधेरों से उजाले की तरफ यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ़ निकालो जो उजाले वाला रास्ता है वो अल्लाह का रास्ता है रोशनी वाला रास्ता कौन सा है अल्लाह का अल्लाह का रास्ता है तो कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने इसलिए नाजिल फ़रमाया ना ताकि हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं हमें गुनाहों से बचाएँ हमें अच्छी बातें बताएं, हमें कुरान पाक की तालीमात बताएं, हमें जो आखिरत का अज़ाब है उससे हमें डराएं, हमें गुनाहों से बचाएं, तो इन तमाम बातों को सिखाने के लिए बताने के लिए कुरान पाक नाजिल हुआ तो जिस जिसने प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को माना एक्सेप्ट किया और फिर इन पर अमल किया तो ये लोग सारे के सारे जिसने भी प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की बात को माना और उस पर अमल किया वो सब दुनिया में भी कामयाब हो गए और ये सब आखिरत में भी कामयाब हो, हो जाएंगे तो हमें भी क्या करना चाहिए कुरान पाक पढ़कर इसको समझकर इस पर हमें अमल करना, करना चाहिए क्योंकि कुरान पाक इसीलिए नाजिल हुआ है अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है क़ुरान पाक सबसे पहले कौन से महीने में नाजिल हुआ था मैं बताता हूँ कुरान पाक सबसे पहले मुबारक के बाबरकत महीने में नाजिल हुआ था हाँ और क़ुर पाक को नाजिल करने की जो जिम्मेदारी थी ना ज़िम्मेदारी जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क़ुरान पाक लेकर आते थे वो तमाम के तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत ज़ुबरीलम थे उनकी ज़िम्मेदारी थी वो अल्लाह पाक की जानिब से कुरान पाक ले कर आते थे और किन के पास ले कर आते थे हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वबारक वसलम अच्छा क़ुर पाक उर्दू ज़ान में है इंग्लिश ज़बान में है फ्रेंच में कौन सी जबान में है अरबी ज़बान में यह तो कितनी कॉमन बात है सबको पता है कुरान पाक की जो लैंग्वेज है जो जबान है वो है अरबी और आपको पता है जो जन्नती होंगे ना जन्नती उनकी भी जबान कौन सी होगी हाँ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कौन सी जबान बोलते थे अरबी ज़बान तो हमें अरबी ज़बान से प्यार होना चाहिए अच्छा कुरान पाक ना एक साथ नासिल नहीं हुआ जैसे पूरी बुक एक साथ आ गई ऐसा नहीं हुआ तोरेत इंजील ये एक साथ आई हैं इस दुनिया में अल्लाह पाक ने एक साथ नाजिल फ़रमाई है लेकिन कुरने पाक हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम पर हालात वाक़ कंडीशंस इन तमाम के अकॉर्डिंग अल्लाह पाक ने थोड़ा थोड़ा कुरने पाक नाजिल किया और पता है थोड़ा थोड़ा आते 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 पूरा कुरान कब कम्प्लीट हुआ कितने साल लगे तेईस साल लगे तेईस साल ट्वेंटी थ्री ईयर्स और कुरने पाक जो थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है ना उसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए आसानी फरमाई वो क्या आसानी थी कि अगर कुरान पाक एक साथ नाजिल होता तो तमाम आयतों पर एक साथ अमल करना मुश्किल हो जाता तो थोड़ी थोड़ी आयतें आती रहीं जैसे कोई वाक्य पेश आया कोई बात हुई उसके मुताबिक आयत आ गई कुछ आयतें आ गई कोई सूरत आ गई तो इस तरह थोड़ा थोड़ा कुरान पाक आता रहा जब थोड़ी थोड़ी बात पता चलती है तो उसको समझना और सीखना आसान हो जाता है ना उस उसमें अमल करना भी आसान हो जाता है जैसे अभी मैंने आपको कुरान पाक के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी ना उससे क्या हुआ आपको थोड़ी बात याद भी रही होंगी और अगर मैं आपको सॉरी एक साथ बता देता अब कहते पहली वाली सारी डिलीट हो गई आखिरी वाली बाकी वैसी है तो मुसलमानों की आसानी के लिए कुरान पाक थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है अच्छा जब कुरान पाक नाजिल हुआ था तो कहाँ पे नाजिल हुआ था और हैं अरे राम हूँ और कौन सी आयतें थी मैं आपको बताता हूँ कुरान पाक जब सबसे पहले नाजिल हुआ था ना तो वो मक मुकरमा में मौजूद एक गार है गार किसे कहते हैं बड़ा सा पहाड़ होता है माउंटेन उसमें एक छोटी सी जगह होती है छोटी सी जगह उसके अंदर लोग जा सकते हैं रह सकते हैं और बारिश वगैरह हो रही हो तो अपने आप को सेव कर सकते हैं उसको कहते हैं गार तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ार हिराम में जाकर इबादत किया करते थे तो आप सल्ला इबादत में बिज़ी थे और मक़ा मुकर्रमा में थे गारा में थे तो उस वक्त हज़रत जबरी तशरीफ़ लाए और आपने पारा नंबर तीस की शर्ग की जो फर्स्ट फाइव आयत है ना पहली शुरू की बिल्कुल पाँच आयात हैं वो आपने आप को जो है पढ़ के सुनाई और आप सलील्ला वसम ने उनको याद कर लिया कौन सी पाँच आयतें हैं मैं आपको बताता हूँ पहली है बसम रबिकवी ख़लक खलक़ अलसान मिन अलक वब्बल अल्लिबिलकलमांसान मालम يعلم. ये पाँच आयतें हैं जो कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल हुई हैं तो प्यारे बच्चों ये थी आज की कुरानिक हिस्ट्री जिसमें हमने कुरान पाक लाने की जिम्मेदारी किसकी थी कितने अरसे में आया कौन सी जबान है कुरान पाक क्यों नाजिल हुआ ये हमने सीखा है इन बातों को आपने याद भी रखना है और दूसरों को भी बताना है और इंशाल्लाह आगे बहुत सारी बातें आप सीखेंगे कुरान पाक जमा कैसे हुआ ये भी आपको बताया जाएगा तो इनशाला उसके लिए अगले प्रोग्राम का आप इंतजार कीजिए वेट कीजिए इनशाला जरूर बताया जाएगा अब तक के लिए इतना ही इन अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानी और उसका नाम है हमारा कुरान। क्या नाम है? हमारा कुरान। हमारा कुरान। मेरा नूर वाली प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरी सेगमेंट हमारा कुरान इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीजों का जिक्र है और फिर इन चीजों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे तो आइए चलते हैं हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी आज हम कुरान पाक में मौजूद जिस चीज के बारे में सुनने जा रहे हैं उसे उर्दू में शहद की मक्खी कहते हैं और अरबी में नहल कहा जाता है और कुरान पाक की एक सूरत भी है जिसका नाम सूरत रहे नहल है प्यारे बच्चों इस सूरत में शहद के बेनिफिट्स शहद की मक्खियों के फसाइल बयान किए गए हैं बच्चों ये शहद की मक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों पहले तो ये मक्खियाँ अपना घर बनाती हैं, जहाँ पर वो सब साथ मिल रहती हैं, और ये जहाँ रहती हैं, उस घर को छत्ता कहा जाता है इन मक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी भी होती है जिसे यासूक कहा जाता है ये बड़ी मक्खी सब मक्खियों की ड्यूटी लगाती है तुमने फला काम करना है जैसे कुछ मक्खियों की ड्यूटी होती है वो छत्ते में पानी लेके आती है और कुछ मक्खियाँ अपने घर की हिफाजत करती हैं और कुछ मक्खियाँ फूलों और फलों की तरफ जाती हैं और इनका रस चूस कर लाती हैं वो शहद के छत्ते में ला कर जमा करती रहती है लेकिन बच्चों फूलों में तो ऐसा टेस्ट नहीं होता जैसा शहद में होता है शहद तो मीठा और मज़ेदार होता है तो ये इतना मीठा कैसे हो जाता है चले मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों जब ये शहद की मक्खियाँ फूलों और फलों से रस चूस कर अपने छत्ते की तरफ आती हैं तो रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती हैं और इस दरूदे पाक की बरकत से मक्खी के मुंह में जो रस होता है उसमें एक मजेदार मिठास आ जाती है और इसी वजह से शहद मीठा हो जाता है प्यारे बच्चों तो आज हमने शहद की मक्खियों के बारे में सुना जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि इट्स मदनी चैनल के नाजरे आपने कितना खूबसूरत सा सेगमेंट देखा जिसमें कुरान पाक में जो शहद की मक्खी है उसका जिक्र आपने सुना कि शहद की मक्खी जो शहद बनाती है वो मीठा कैसे होता है वो दुरूद शरीफ़ की वजह से मीठा होता है तो हमें भी चाहिए हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा मिल कर पढ़ लें हम सब पढ़ लेते हैं सल्लु सल्लल्लाहु सलूलू हबीबल तमाम महमद सल्ल वम हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़बान भी मीठी हो जाएंगी और हम भी मीठे 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 हो जाएंगे जिनको बहुत गुस्सा होता ना हो मार दूंगा मैं गिलास तोड़ दूंगा ऐसे बच्चे होते हैं वो गुस्सा आता रहता है कड़वे कड़वे होते हैं उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा दूरते पाक पड़े वो मीठे मीठे हो जाएंगे ठीक है तो ये था सेगमेंट अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने मेरा वाली किता प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरें ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर दो बॉक्स बने हुए हैं एक में लिखा हुआ है अल्फाज और दूसरे में लिखा हुआ है सही सही अल्फ़ाज के नीचे एक वर्ड लिखा है एक लफ्ज़ लिखा है इसमें सब में ऐराब लगे हुए हैं लेकिन जो एक हर्फ है एक लेटर पे कोई भी ऐराब नहीं है अब इस पे कौन सा ऐराब लगेगा ज़बर जेर पेश तजदीद क्या आएगा वो आपने बताना है टीम ए से एक सिलेक्शन होगी और टीम बी से एक सिलेक्शन होगी आप दोनों ने ये देख रहे हैं बास्केट नज़र आ रही है इस बास्केट में ऐराब लगे हुए हैं आपने ढूंढ के इसमें से निकालना है कि हाँ ये ऐराब है तो जो सही बताएगा तो उसका जवाब दुरुस्त होगा और जो टीम ज़्यादा जवाब दुरुस्त दे देगी तो वो टीम जीत जाएगी और क्या सही होगा अब आपने तो निकाल दिया ईराब कि मैंने ये ऐर निकाला है कौन सा एराब सही होगा वो लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा इसके ज़रिए से हम पता लगा सकते हैं कि आपने जो ऐरब निकाला है वो सही निकाला है या, या। गलत निकाला है तो टीम ए से कौन आ रहा है टीम से जी आप आ जाइए और टीम बी से आप आ रहे हैं चले आ जाइए जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हमारे सामने टीम ए से भी और टीम बी से भी दोनों टीमों से एक एक सिलेक्शन हो गई है और एक वर्ड है ये पहले पूछेंगे हम टीम ए से ठीक है और फिर दूसरा वर्ड आएगा वो पूछेंगे हम टीम बी से अच्छा हर वर्ड बेटा मैं पढ़ के बताऊँगा अब ये है आऊजू अब करना क्या है मैंने इसको पढ़ा कैसे आपने पहचानना है कि इसके अंदर मैंने किस तरीके से पढ़ा इसमें कौन सा ऐराब आ सकता है वो आपने बास्केट में से ढूंढना है और फिर वो मुझे बताना है ठीक है मैंने क्या पढ़ा है आऊजू ज़ू कौन सा ऐराब लगेगा इस पे वाह माशाल्लाह आपने तो फौरन निकाल दिया जी हाँ सही जवाब क्या है जरा बताइएगा इधर क्या यही है इनका? बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह इनका यही आराब है क्या कहना है हम अल्लाह और उसके बाद है अब टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज है टीम बी के लिए जो लफ्ज आया है वो है युवस वीसु युवस वीसु ढूंढना है आपने इसमें कौन कौन सा ऐराब लगेगा मैंने किस तरह पढ़ा है और करें यू बसु एक दो तीन तीन है हाँ ये क्या है कौन सा ऐराब है ये जबर जबर है ये कहाँ लगना चाहिए या के बाद वाव पे सीन पे कहाँ लगेगा वाव के ऊपर यू बस बिल्कुल ठीक है एक दुरुस्त हो गया है और ढूंढें दो आपने ढूंढने और एक ये राब आपने निकाल लिया है और दो रह गए हैं सही जा रहे हैं आप सही जा रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज हो रहे हैं अब ये क्या है माइक में बता दें जेर जेर है हाँ देखें भाई जबर और जेर का जो शेप है ना वो ऐसे होता है जैसे कि आपको नजर आ रहा है ऊपर लगा देंगे हर्फ के ऊपर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा जबर और जब नीचे लग जाएगा तो ये हो जाएगा जेर एक और ले गया जल्दी से निकाले एक और रह गया है ये क्या है पेश पेश है अच्छा पेश ऐसे लगता है ऐसे कैसे होता है ऐसे होता है ये तो कुछ और हो गया चले अभी देखते हैं पेश कैसे होता है सही जवाब क्या है बिल्कुल सही जवाब जी हाँ यू वस विसू इन्होंने पेश ढूंढा है जबर ढूंढा है और जेर ढूंढा है तो देखें जबर और जेर इन दोनों का तो शेप एक ही है जबर ऊपर आ गया तो ये जबर है और नीचे आएगा तो और जो पेश है उसका जो शेप है वो ऊपर से मोड़ा हुआ है जबर की तरह ही है लेकिन उसके साथ साथ ऊपर से गोल है ऊपर से, से मोड़ा हुआ है अगला वर्ड आ गया है टीम ए, आपने इराब तलाश करना है बा का सिर्फ दो हैं आपके लिए आसानी हो गई तो ताबुदूना ये जेर है जेर कैसे लगता है ऐसे ऐसे लगता है कहाँ लगेगा ये वाला नीचे किसके नीचे ताके ताके नीचे ताबुदूना पर, पर ताके ऊपर ठीक है और अगला आप कौन सा है कैसे लगेगा ऐसे लगेगा बिल्कुल ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं नहीं हाँ शाबाश ये क्या है पेश ये कह रहे पेश एक बताया इन्होंने ज़बर एक बताया है पेश सही जवाब क्या है ताबुदूना जी ता के ऊपर भी जबर है जो शेब इन्होंने दिखाया था सही था और बा के ऊपर पेश है जो शेब इन्होंने दिखाया था वो सही था तो इस तरह टीम ए का जवाब भी दुरुस्त है टीम बी टीम बी के लिए कौन सा वर्ड है तब बत टीम बी सिर्फ एक हर्फ है उसका तलाश करना है ये क्या है तस्दीद तस्दीद है ठीक है और क्या बस तस्दीद आएगी या और कुछ भी आएगा लिखा है तब बत मुझे देखें मैं क्या पढ़ रहा हूँ तस्दीद क्या है ये जबर जबर है ये सही जवाब क्या है पहले इन्होंने तस्दीद दिखाई है और फिर इन्होंने जबर दिखाया अच्छा लगेंगे कहाँ बाकी ऊपर बा के बा के ऊपर क्या जबर या तस्दीद पहले तस्दीद फिर जबर हाँ अच्छा पहले तस्दीद और फिर जबर दिखाइए क्या बा के ऊपर ही तस्दीद है और तस्दीद के ऊपर ज़बर है हम्म माशाल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, है। बा के ऊपर तस्दीद है और तस्दीद के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पे इन्होंने दो इराब तलाश किए अच्छा ये जो तीन दंदान होते हैं ना यानी एक दो तीन है ना तीन दंदान है दंदाने जिसे कहते हैं तो ऐसा जो शेप होता है उसे कहते हैं तस्तीब माशाल्लाह टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है तो माशाल्लाह टीम ए ने भी अच्छी कोशिशें की हैं और टीम बी ने भी अच्छी कोशिशें की हैं और मुकाबला क्या रहा है बराबर ड्रॉ हो गया है टीम ए ने कहा मैं भी आगे रहूँगा और टीम बी ने कहा मुझे भी आगे रहना है माशाल्लाह अल्लाह करीम आप दोनों को खुश रखे शादो आबाद रखे अपने अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखी है इसी के साथ ही प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है मुकम्मल और आज हमने कुरानिक हिस्ट्री सुनी कुरान पाक पढ़ने का तरीक़ा भी सीखा और आखिर में एक ज़बरदस्त सा कॉम्पटिशन भी हुआ है इन शाला आप इसी तरह किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम देखते रहेंगे और स्पेशली नून वाली किताब ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको कुरान पाक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव मालूम आपको मिलेंगी अपना ख्याल रखिएगा किड्स मदनी चैनल देखते रहिए صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم نور والي نور والي نور والي كتاب قرآن نور, نور والي كتاب कमांधनी तो चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।